नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। मीटिंग में जम्मू बीजेपी के नेता भी होंगे शामिल। आज है राहुल गांधी का 48वां जन्मदिन। दिल्ली के दफ्तर में यूथ कांग्रेस ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। 9वें दिन भी केजरीवाल का धरना जारी। अधिकारियों से सुलह पर अभी भी सस्पेंस। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी के बाद अब अधिकारियों से बैठक के लिए एलजी के फैसले का इंतजार। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन पर चर्चा के लिए आज दिल्ली के दौरे पर अखिलेश यादव। कई पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। सपा ने दिए हैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने के संकेत। ईद के 3 दिन बाद आरएसएस का ईद मिलन समारोह आज। पीएम मोदी को भी भेजा गया न्योता। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करेगा आयोजन। दिल्ली के नांगलोई में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 10 एकड़ के गोदाम में दूर दूर तक फैली आग। दमकल की 30 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से मचा हाहाकार। असम, त्रिपुरा, मणिपुर में गई कई लोगों की जान। अब तक 23 से ज्यादा लोगों की मौत। बाल बाल बची सऊदी अरब की फुटबॉल टीम। प्लेन के इंजन में आग लगने से मचा हड़कंप। जैसे तैसे खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया। फीफा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने ट्यूनिशिया को 2-1 से हराया। वहीं बेल्जियम ने अपना पहला मैच खेल रही पनामा को 3-0 से दी मात। आज खेले जाएंगे 3 मुकाबले। और लाल निशान के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 79 अंकों की गिरावट। निफ्टी 10,765 पर कर रहा है कारोबार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।